अब समाजवादी पार्टी के सियासी एयरपोर्ट पर सुलह की फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है। मुलायम ने भी कल जन्मदिन के दिन ये साफ कर दिया कि उनका आशीर्वाद है बेटे के साथ, तो वहीं शिवपाल की साइकिल की सवारी अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। सैफई में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर शिवपाल यादव की ये दंगल प्रतियोगिता तो कुछ घंटे में खत्म हो गई, लेकिन परिवार का दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसका सबूत है ये दो तस्वीर। पहली तस्वीर लखनऊ में मनाया गया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के जश्न की है, जिसमें अखिलेश यादव समेत मुलायम सिंह परिवार के लगभग सभी सदस्य शामिल थे। और दूसरी तस्वीर सैफई की है, जहां मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने केक काटा, लेकिन इस जश्न में सिर्फ शिवपाल यादव के ही समर्थक मौजूद थे। मतलब साफ है कि मुलायम सिंह के 83वें जन्मदिन पर भी अखिलेश और शिवपाल के आंकड़े ठीक नहीं हुए हैं। हमारे नौजवानों में कितना जोश है, ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूं। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। ये सच है कि मुलायम सिंह के लिए शिवपाल बहुत अहमियत रखते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि परिवार में पड़ी दरार भर जाए, लेकिन चुनाव बेटे और भाई के बीच है, इसलिए मुलायम खामोश है और उनकी खामोशी शिवपाल को परेशान कर रही है। वो किसी भी तरह साइकिल पर चढ़ने के लिए बेताब है। और हमें सब सत्य माने, सब सत्य माने, फिर मान लेंगे। बनो मुख्यमंत्री, कैसे बनो? एकता में बहुत कुछ ताकत होती है। शिवपाल की ये बेताबी नई नहीं है। करीब 4 महीने पहले एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि वो अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का एसपी के साथ विलय तक के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश हरी झंडी देते नहीं दिखे। हम तो चाहते हैं हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और जितने भी हमारे साथ जो लोग हैं उनका सम्मान जरूर रहना चाहिए। मिलके बैठ के बात कर लो, कह दो चाचा तो तैयार हैं समाजवादी पार्टी से अलायंस करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए, उनके दल के लिए पार्टी ने सीट छोड़ी है और उनका बाकायदा सम्मान पूरा किया जाएगा। समझौता हमारा है, आने वाले समय में समझौता करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करेगी, समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा, उनके दल का उनका पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। काफी समय से इस बात की उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ जाएंगे और परिवार एक हो जाएगा। शायद शिवपाल यादव को भी इस बात की उम्मीद थी, लेकिन लखनऊ के जश्न में शिवपाल को न्योता ना मिलना बताता है कि अखिलेश यादव के चुनावी गणित में शिवपाल यादव फिट नहीं बैठते। शिवपाल के बार बार हाथ बढ़ाने के बावजूद अखिलेश करीब नहीं आ रहे और इसकी वजह सियासी गुणागणित है। दरअसल अखिलेश को लगता है कि शिवपाल की छवि से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है और युवा वोट बैंक खिसक जाएगा। इस बीच शिवपाल की रथ यात्रा भी फ्लॉप रही है, जिससे अखिलेश को ये समझ आ चुका है कि शिवपाल के पास वोट बैंक नहीं बचा है और अगर वो पार्टी में शामिल किए जाते हैं तो इससे गुटबाजी बढ़ सकती है। इसके अलावा शिवपाल टिकट बंटवारे में भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। देखिए अभी जब बातचीत होगी, जब भी बातचीत होगी, जिससे भी बातचीत होगी, तब सूची वगैरह दी जाएगी। बातचीत से तय होता है, सूचियों से थोड़े तय होता है। हम आप भी चाहते हैं जल्दी जल्दी बातचीत हो, हैं? चाहे गठबंधन हो, कुछ भी हो, हैं? भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। और नहीं तो ये जनता से मैंने कहा है कि हम सम्मेलन अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का करेंगे। शिवपाल यादव की रथ यात्रा का फीका रंग देखकर अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि शिवपाल से हाथ मिलाने में फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। इसके अलावा अगर शिवपाल अखिलेश के साथ आते हैं तो विरोधियों को अखिलेश पर उंगली उठाने का मौका भी मिल जाएगा। शायद इसी वजह से अखिलेश यादव शिवपाल से दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझ रहे हैं।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।